होमगार्ड्स संगठन स्थापना के 62वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर बुधवार को होमगार्ड्स मुख्यालय पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। होमगार्ड्स स्थापना दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के कारागार एवं होमगार्ड्स राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति शामिल हुए। कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने होमगार्ड्स की रैतिक परेड का मान परिणाम स्वीकार किया। साथ ही कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले होमगार्ड्स को कारागार मंत्री ने सम्मानित भी किया। इस दौरान अपर मुख्य सचिव अनिल कुमार, डीजी कारागार एसएन सावंत, डीआईजी विवेक कुमार सिंह, कमांडेंट जनरल होमगार्ड विजय कुमार मौर्य, रणजीत कुमार सिंह, एके सिंह समेत अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि आज का रैतिक परेड कार्यक्रम ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे 26 जनवरी की कोई झांकी हो। आज हमारा होमगार्ड जवान प्रशासनिक ड्यूटी के साथ साथ सामाजिक कार्यों को भी बखूबी निभा रहा है। साल 2017 से प्रदेश सरकार में सीएम योगी के नेतृत्व में होमगार्ड जवानों के बेहतरी के लिए बहुत से कार्य किए गए हैं। होमगार्ड जवानों का दैनिक भत्ता 375 रुपए से बढ़ाते हुए और डीए भी दिया जा रहा है। साथ ही उनके असामयिक निधन पर मुख्यमंत्री की तरफ से 5 लाख रुपए की सहायता राशि और 30 से 40 लाख रुपए की मृतक बीमा राशि भी प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि होमगार्ड जवानों के ड्यूटी एवं भत्ते को लेकर पहले अनियमितता की लगातार शिकायतें मिलती थीं, लेकिन अब पारदर्शी व्यवस्था अपनाते हुए ड्यूटी एवं भत्ता से लेकर अन्य सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर से उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है। कारागार मंत्री ने आगे कहा कि वृक्षारोपण से लेकर गंगा सफाई एवं नदियों नालों की सफाई के साथ साथ हमारा होमगार्ड जवान विभिन्न आपदाओं के समय उपस्थित रहकर सभी दायित्वों का निर्वहन पूरी लगन और तत्परता से कर रहा है। उन्होंने बताया कि मंदिरों और सड़कों पर अगर कोई भी विकलांग बुजुर्ग पुरुष या महिला दिखे तो उसकी मदद करने की हमने होमगार्ड जवानों को निर्देश दिए हैं। ट्रेनिंग भत्ता जो होता था वो हमने दैनिक भत्ते के बराबर किया है। उनका ड्रेस की व्यवस्था और उनके सीधे खाते में जाती है। 42 दिन की ट्रेनिंग थी वो हमने 90 दिन की है। अगर बात करें तो ड्यूटी के दौरान हमारे होमगार्ड जवानों के अगर कहीं कोई दुर्घटना होती है, भगवान न करे किसी के साथ ऐसी हो, लेकिन कोई घटना होती है तो 5 लाख की व्यवस्था हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने की है। उनके परिजनों को उसकी जगह पर स्थापित करने का काम भी सरकार ने किया है। अगर हम बात करें तो होमगार्ड जवानों के प्रति जिस तरह से उनकी भूमिका रहती है, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, सब में जो बृहद भूमिका उनकी रहती है उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की हमारे होमगार्ड विभाग के प्रति सकारात्मक सोच है। और भी अगर हम बात करें तो हमारे मंडली कमांडर, जिला कमांडर के पास कोई हथियार नहीं रहता था, हम लोगों ने पिस्टलें स्वीकृत की हैं। जैसे जैसे हमें आवश्यकता महसूस होती है उस विभाग के लिए करने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं।